जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अव्यय टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। मन में एक प्रश्न होगा, अव्यय क्या है? अव्यय का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, या अव्यय के कितने भेद हैं? तो समास पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां भी हमने अव्यय के बारे में थोड़ा चर्चा किया था, लेकिन आइए विस्तार से चर्चा कर ले कि अव्यय क्या है। तो नाम है अव्यय। अ का मतलब होता है न और व्यय का मतलब होता है खर्च। अगर हम अव्यय को ले तो अ जोड़ व्यय, अ का मतलब होता है न, व्यय का मतलब होता है खर्च। मतलब जो खर्च न हो, जिसका व्यय न हो, मतलब जितना हो उतना ही रहे। कुछ ऐसे भी शब्द है जो खर्च नहीं होता है, जितना है उतना ही रहता है। क्या कहेंगे? अव्यय, माने खर्च नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमारे हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला के शब्द में, शब्दमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वह शब्द अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, तो उसे हम अव्यय के नाम से जानते हैं। अव्यय, अ मतलब ना, व्यय मतलब खर्च। मतलब वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष में किसी प्रकार का चेंजिंग ना हो, जैसा हो वैसा ही रहे, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे हर, प्रत्येक, प्रातः, जब, तब, इधर, उधर, हम, आप, यथा, वहां, यहां, जहां, तहां, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, कुछ ऐसे शब्द है जिसे आप कहीं भी रख दो, कहीं भी सेट कर दो, वह शब्द जैसा का वैसा ही रहेगा। एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुलिंग हो, कर्ता कारक हो, कर्म कारक हो, करण कारक हो, संबोधन कारक हो, जहां भी सेट कर दे वह शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसे ही शब्द को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो अव्यय के कितने प्रकार हैं? तो आपको बता दें कि अव्यय के कुल 5 प्रकार हैं। कालवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब अव्यय के 5 प्रकार हैं, अव्यय के 5 रूप हैं, या अव्यय के 5 भेद हैं। कालवाचक, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मन में प्रश्न होगा, कालवाचक अव्यय किसे कहते हैं? तो सीधा उत्तर होगा, जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो। मतलब वह शब्द जो समय का बोध कराता हो, जो शब्द हमें समय का बोध कराता हो, तो उसे हम कालवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे इसका क्या होगा, हम इसके जय मतलब जिससे समय का बोध हो या समय का बोध कराने वाले शब्द को कालवाचक अव्यय कहते हैं। जिसमें जैसे आज, कल, आज, कल, परसों, तुरंत, आजकल, अभी। मतलब कालवाचक अव्यय किसे कहते हैं? तो कालवाचक अव्यय का परिभाषा होगा, जिससे समय का बोध हो या समय का बोध कराने वाला शब्द कालवाचक अव्यय कहलाता है। समय का बोध कराने वाला जो तत्व शब्द होगा उसे कालवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, तुरंत,
आजकल, अभी तक, ये ऐसे शब्द है जो समय का हमें बोध करा रहा है। तो समय के बोध कराने वाले तत्व को हम कालवाचक कहते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण, दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को, शब्द को, इसका होगा क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जानते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अगर हम जैसे की बात कर लें तो उदाहरण ले सकते हैं कि वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहां जो वह कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, तो प्रक्रिया माने पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई की विशेषता क्या है? तो प्रतिदिन। वह पढ़ता है लेकिन कब? प्रतिदिन। तो मेरा कहना क्रिया की विशेषता बता, जैसे प्रतिदिन, धीरे धीरे, प्रतिदिन, धीरे धीरे, ये जो शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे हमने कहा वह प्रतिदिन पढ़ता है, या वह धीरे धीरे चलता है। तो यहां जो हो गया धीरे धीरे, उसके चाल की विशेषता क्या है? तो वह धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। और क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है प्रतिदिन और धीरे धीरे। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे खाता है। तीसरा है प्रश्न संबंध बोधक अव्यय। तीसरा कौन है? संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे? तो संबंध बोधक अव्यय कहता है संज्ञा, इसका परिभाषा हम ले लें, संज्ञा व सर्वनाम। ध्यान देंगे, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर कहता है कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, या संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध बताने वाला वाक्य, उनका संबंध बताने वाला, मतलब क्रिया संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध बताने वाला जो शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ गया, और संज्ञा और सर्वनाम से जो रिलेशन संबंध को बताने वाला शब्द होगा उसी को हम संबंध वाचक अव्यय कहेंगे। जैसे पास, सिवा, खातिर, बाहर, जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि पास सिवा खातिर बाहर बिना के साथ बिना के साथ नीचे अब बहुत सारे हैं संबंध बोधक अव्यय की बात करते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध बताने वाला जो शब्द है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पास, शिवा, खातिर, बाहर, संज्ञा या के साथ, मतलब राम मोहन के साथ, राम मोहन के साथ मिलकर काम को करता है।
तो यहां के साथ राम और मोहन में संबंध बता दिया, जोड़ दिया। पास, छात्र गुरु के पास या शिक्षक के पास जाकर ज्ञान अर्जित करता है। तो छात्र का शिक्षक से संबंध बताने वाला जो है, जोड़ दिया कौन, पास, शिवा, उनके सिवा मेरा कोई नहीं, उनके, उनके मतलब कोई व्यक्ति है और सिवा जो है उनका, व्यक्ति के साथ संबंध को जोड़ दिया। तो प्रश्न करता कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध बताने वाला जो होगा उससे हम संबंध बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। चौथा है समुच्चय बोधक। तो कहता है वाक्य या शब्द को जोड़ने वाला, मतलब समुच्चय बोधक का परिभाषा होगा वाक्य या शब्द को जोड़ने वाला या अलग करने वाला शब्द। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वाक्य को अलग करने का काम करते हैं। मतलब इसका उदाहरण ले ले, इसका हम उदाहरण ले तो यहां जैसे लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, उदाहरण इसका ले रहा हूं कि वाक्य या शब्दों को जोड़ने वाला या अलग करने वाला जो शब्द है उसे समुच्चय बोधक अवयव कहेंगे। मतलब हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ देते हैं, या हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। तो शब्द को जोड़ने वाले या शब्द को अलग करने वाले, वाक्य को जोड़ने वाले या वाक्य को अलग करने वाले जो शब्द है उसे हम समुच्चय बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे जोड़ने वाले कौन होते हैं, तो जोड़ने वाले शब्द है तथा। जैसे जोड़ने वाला शब्द कौन होगा, जोड़ने वाला हम ले सकते हैं तथा और एवं। वाक्य को जोड़ने वाला शब्द है तथा और एवं। और तोड़ने वाला, तोड़ने वाला शब्द कौन होगा, परंतु, जबकि, किंतु, परंतु जबकि किंतु, ये तोड़ने वाले शब्द हो गए। तथा और एवं ये जो है शब्द को या वाक्य को जोड़ देते हैं। तो वाक्य को जोड़ने वाले या वाक्य को तोड़ने वाले, मतलब अलग करने वाले जो शब्द हो उसे हम समुच्चय बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। तथा और एवं ये जोड़ने वाले हैं, परंतु जबकि किंतु ये अलग करने वाले हैं। ये हो गए समुच्चय बोधक अवयव। अगला है विस्मयादि बोधक अवयव। प्रश्न होगा विस्मयादि बोधक अवयव कहते किसे हैं, तो विस्मयादि बोधक अवयव की परिभाषा होगी कि जिन शब्द से या जिस जिस शब्द से हर्ष, विषाद, घृणा, शोक, भय, जिस शब्द से हर्ष, विषाद, घृणा, भय, क्रोध का बोध हो। मतलब जिस शब्द से हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब तकलीफ, घृणा, भय, क्रोध का बोध हो, तो हर्ष, विषाद, घृणा, क्रोध, भय को सूचित करने वाला जो शब्द है उसे हम विस्मयादि बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे हाय, जैसे लिख सकते हैं इसका उदाहरण, इसका उदाहरण में यहां लिख दे जैसे में हाय, या कुछ लोग कहता है बाप रे, हाय, बाप रे, वाह, वाह भी होगा, चुप, कुछ लोग धत, अच्छा, अरे, अच्छा, अरे, मतलब
हम इसमें ले सकते हैं कि हमने कहा हर्ष, हर्ष वाला शब्द कौन होगा, आह या वाह वाह, क्रोध वाला अवे चुप, भय का होगा हाय रे, तिरस्कार का छी छी, स्वीकृति का अच्छा ठीक है, मतलब हर्ष विषाद घृणा भय क्रोध को सूचित करने वाला दिखाने वाला जो शब्द होगा उसे हम विस्मयादि बोधक अवयव के नाम से जानते हैं। और अवयव जितना भी शब्द मैंने कहा इसके लिंग वचन कारक के अनुसार किसी प्रकार का चेंजिंग या बदलाव नहीं होता है, जैसा रहता है हमेशा उसी अवस्था में विद्यमान रहता है। तो आज के क्लास में इतना ही, पुनः कल एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।